नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग, आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बीएसएफ एससीएम एंड एएसआई भर्ती 2024 के बारे में। एक नोटिस है जो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसके अंदर आपकी फिजिकल की डेट यहां पर बताई जा रही है। ठीक है, उस नोटिस के अंदर कौन सी आपकी फिजिकल डेट की डेट और क्या वो डेट रियल है या फेक है, सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वीडियो के लास्ट तक बने रहे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भर्ती से संबंधित नई-नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं और बात करते हैं बीएसएफ एससीएम एंड एएसआई भर्ती 2024 के बारे में। तो सबसे पहले मैं ये नोटिस है वो आपको दिखा देता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं इस नोटिस के अंदर आपको फिजिकल की डेट बताई गई है। ठीक है, और यहां पर बताया गया कि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ठीक है, मेरे को ये इंस्टाग्राम के ऊपर यहां पर बच्चों ने ये नोटिस भेजा है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब सरकारी पत्र बताया जा रहा है। इसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा जारी किया गया बताया रहा है। इसके बाद में डायरेक्टरेट जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है, पर्सनल डायरेक्टरेट रिक्रूटमेंट सेक्शन, इस प्रकार यहां पर ऊपर जो हेडिंग है आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद में एड्रेस भी आप देख सकते हैं, ब्लॉक नंबर 10 सीजीओ कॉम्प्लेक्स लोधी रोड न्यू दिल्ली 03। ठीक है, इसके बाद में यहां पर आप देखोगे तो लिखा हुआ है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ नोटिस फॉर हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल पीईटी पीएसटी। ठीक है, इसके बाद में नीचे आप देखोगे यहां पर क्या लिखा हुआ है, ऑल कैंडिडेट्स वो हैव अप्लाइड फॉर हेड कॉन्स्टेबल, ठीक है, मिनिस्ट्रियल आर हियर बाई इन्फॉर्म दैट द फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट पीईटी एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी विल बी कंडक्टेड शॉर्टली, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली एंड रेगुलरली, इसके बाद रेगुलरली चेक द ऑफिशियल बीएसएफ रिक्रूटमेंट पोर्टल फॉर फर्दर अपडेट्स, इसके बाद में रिगार्डिंग द एग्जैक्ट डेट एंड वेन्यू, एक्सपेक्टेड डेट 17 नवंबर 2024। यानी जो आपकी इस नोटिस के अंदर फिजिकल की डेट बताई जा रही है वो डेट कौन सी है, 17 नवंबर 2024। ठीक है, अब यहां पर आप सभी का सवाल ये बन रहा होगा कि सर क्या रियल में हमारा जो फिजिकल है वो 17 नवंबर 2024 से स्टार्ट होगा या नहीं होगा, क्या ये नोटिस रियल है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा YouTube चैनल्स के ऊपर ये नोटिस आपको देखने को मिला होगा और यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये रियल है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं, ये जो आप नोटिस देख रहे हैं ये किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ये नोटिस नहीं है। ठीक है, ना तो ऑफिशियल वेबसाइट पर है, ना कोई आपके सीआरपीएफ सीआईएसएफ बीएसएफ आईटीबीपी असम राइफल जितनी भी आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेज आती है, जो इसके अंदर बीएसएफ एसएम वाली भर्ती है इसके अंदर जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेज आती है उनकी किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ये नोटिस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो फिर ये नोटिस आया कहां से। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहां पर ये नोटिस पूरी तरह एडिट किया हुआ है। ठीक है, एडिट किया हुआ नोटिस है, इस प्रकार का कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं होता है, क्योंकि ऑफिशियल जब भी नोटिस होता है उसके अंदर सारी मतलब यहां पर आप देख सकते हैं जो ये यहां पर जो ये मटेरियल है ये टाइप किया गया मटेरियल है सारा। ठीक है, ये एकदम रियल नोटिस नहीं है, हो सकता है ये किसी कैंडिडेट किसी व्यक्ति के द्वारा एडिट किया गया है। ठीक है, तो इसके ऊपर आपको बिलीव नहीं करना है। ठीक है, अब यहां पर फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं आपका जो फिजिकल है वो कब से कंडक्ट करवाया जाएगा, सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, एकदम रियल जानकारी होगी। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप भी एसएससी जीडी भर्ती 2024-25 यानी जो नई वाली वैकेंसी है अगर इसकी तैयारी में लगे हुए हैं तो यहां पर चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक मार्केट के अंदर आ चुकी है सब्जेक्ट वाइज रीजनिंग मैथामेटिक्स सामान्य ज्ञान और हिंदी। मैं एक बार आपको बुक दिखा देता हूं। ठीक है, ज्यादा बड़ी बुक नहीं है, आराम से आप इसको पढ़ सकते हैं और इसका रिवीजन भी कर सकते हैं। ये आपकी रीजनिंग की बुक है और ये आपकी हिंदी की बुक है। ठीक है, इसी प्रकार चारों बुक आपको मिलेगी। मैं एक बार आपको बुक ओपन करके अंदर से दिखा देता हूं। सबसे पहले जैसे आपने रीजनिंग वाली बुक परचेज की है तो इसके अंदर 750 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन के साथ। इसके बाद में ये बुक आपकी अकॉर्डिंग टू सिलेबस रहने वाली है। ठीक है, और इसके बाद में इस बुक के अंदर आपको 2024, 2023, 2021, 2019 के सभी एसएससी जीडी के सवाल मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन। ठीक है, एक बार बुक ओपन करके भी दिखा देता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं जैसे आपने ये बुक देखी रीजनिंग वाली बुक है, इसमें जितना भी एसएससी जीडी में रीजनिंग का जो मटेरियल होता है वो दिया गया है, एक-एक टॉपिक को बारीकी से समझाया गया है, उसके बाद में प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर के सवाल दिए गए हैं और यहां पर इनका सॉल्यूशन भी आपको देखने को मिल जाएगा। सॉल्यूशन की बात करें अल्टरनेट मेथड के साथ सॉल्यूशन दिया हुआ है, बहुत ही बढ़िया तरीके से सॉल्यूशन डिजाइन किया गया है, तो ऑल ओवर बहुत ही बढ़िया बुक है। ठीक है, इन चारों बुक का कॉम्बो पैक मार्केट के अंदर आ चुका है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
में इन सभी बुक का लिंक दिया हुआ है, जाइए परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को और भी ज्यादा बेहतर बनाइए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर बात करते हैं फिजिकल डेट की। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फिजिकल डेट की बात करने से पहले मैं एक चीज आपको क्लियर कर देता हूं, यहां पर जिस भी कैंडिडेट ने इस भर्ती का फॉर्म भरा है उसके लिए बहुत सुनहरा मौका है फौजी बनने का, सिलेक्शन लेने का। ठीक है, वो किस प्रकार, यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस वैकेंसी के अंदर आपका कंपटीशन बहुत कम है। अब ये मैं किस आधार के ऊपर बता रहा हूं, तो सबसे पहले क्या है, आप सभी को पता है अभी क्या चल रही है, एसएससी जीडी। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे भी हैं जिन्होंने एसएससी जीडी का फॉर्म भरा है और उनका अभी फिजिकल भी चल रहा है। ठीक है, और इन्होंने जो ये कैंडिडेट है ये कैंडिडेट बीएसएफ एसएम एंड एएसआई भर्ती 2024 का भी फॉर्म भरे हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे 46,000 के करीबन वैकेंसी है, इसमें बहुत सारे बच्चे अपना सिलेक्शन ले लेंगे जो होशियार बच्चे होंगे। ठीक है, इसके बाद में आप देखोगे जो नई वैकेंसी आई है एसएससी जीडी की, ठीक है, अभी ये वैकेंसी लगभग कितनी है, यहां पर 39,000 प्लस वैकेंसी है। ठीक है, इसके बाद में अभी ये वैकेंसी इंक्रीज होगी और ये लगभग आपकी 55,000 के करीबन होने का पूरा चांसेस है। तो कुछ बच्चे जो बीएसएफ एसएम एंड एएसआई भर्ती 2024 का फॉर्म अप्लाई किए वो बच्चे इनके अंदर भी अपना सिलेक्शन ले लेंगे। फिर इसके बाद में जैसे आप देखोगे बिहार पुलिस की वैकेंसी आई हुई है कितनी, 21,000, बिहार एसएससी की यहां पर 12,000, यूपी पुलिस की यहां पर 60,000, एनटीपीसी की यहां पर 11,000, टेक्नीशियन की यहां पर 14,000, एएलपी की यहां पर 18,000, आरपीएफ की यहां पर 4,600, सीजीएल की यहां 17,000, एमटीएस की यहां पर 12,000। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी स्टेट के अंदर भी बहुत सारी वैकेंसियां अभी आई हुई है। ठीक है, तो यहां पर होगा क्या, यहां पर आरपीएफ एसआई की भी अलग वैकेंसी है। ठीक है, कुछ वैकेंसियां मैं यहां पर अभी आपको नहीं दे पाया हूं क्योंकि मेरे को याद नहीं है, जो मेरे को मोटी मोटी वैकेंसियां याद थी जिनकी अभी वैकेंसी मतलब इनका फिजिकल होना है। बहुत सारे बच्चे जो बीएसएफ का फॉर्म भरे, बीएसएफ एसएम का, वो इनका भी फॉर्म भरे, तो कुछ बच्चे इन वैकेंसियों में अपना सिलेक्शन ले लेंगे। तो यहां पर क्या है, जो आपके 8,00,000 फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है, इनमें से आप देखोगे बहुत सारे फॉर्म यहां पर लगभग 2,00,000 के करीबन फॉर्म रिजेक्ट भी हो गए। ठीक है, 6,00,000 फॉर्म बचेंगे, तो 6,00,000 फॉर्म में अभी आपने देखा होगा एसएससी जीडी का फिजिकल हुआ था, 40 में से यहां पर कितने बच्चे पास हो रहे थे, 100 में से यहां पर 20 बच्चे पास हो रहे थे पूरी प्रोसेस को। ठीक है, तो यहां पर 6,00,000 में से बच्चों का अभी फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो ये सारी चीजें होगी। ठीक है, तो अब फिजिकल होने के बाद में यहां पर आपके बच्चे कितने बच्चे शेष रहेंगे, लगभग यहां पर आधे बच्चे आप मान सकते हैं। ठीक है, लगभग यहां पर 2.5 लाख से 3 लाख बच्चे। ठीक है, अभी या फिर इन बच्चों का एग्जाम होगा, तो आप सभी को पता है सभी एग्जाम देने नहीं जाते हैं और सभी फिजिकल देने भी नहीं जाते हैं, तो मैंने जो अनुपस्थिति है वो तो यहां पर दिखाई भी नहीं है अभी, तो यहां पर जो आपका मोटा मोटा कंपटीशन रहेगा वो 1,00,000 बच्चों के साथ रहेगा। ठीक है, वैकेंसी आपकी कितनी है, 1526 वैकेंसी है और ये वैकेंसी अभी बढ़ेगी। ठीक है, बढ़ने का पूरा चांसेस है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो अभी कंपटीशन इस वैकेंसी के अंदर बहुत कम है, जिन भी कैंडिडेट ने इसका फॉर्म लगाया वो अपनी तैयारी जारी रखिए, सिलेक्शन आपका होने का पूरा चांसेस है। अब यहां पर फिजिकल डेट बता देता हूं, तो फिजिकल डेट अभी यहां पर आप देखोगे एसएससी जीडी भर्ती 2023-24 जिसका अभी क्या चल रहा है, फिजिकल चल रहा है और ये नवंबर कब तक खत्म हो जाएगा मैं आपको बता देता हूं, यहां पर देख सकते हैं 8 नवंबर 2024 को इसका फिजिकल यहां पर समाप्त हो जाएगा, लगभग ये 39 दिन तक चलेगा। ठीक है, यहां पर आप देखोगे ये फिजिकल जैसे समाप्त होगा रीमेडिकल वालों की बारी होगी, रीमेडिकल खत्म होने के बाद में यहां पर आप डेट देखोगे 21/11/2024 21 नवंबर 2024 एसएससी जीडी की पूरी प्रोसेस यहां पर समाप्त हो चुकी होगी। ठीक है, इसके बाद में आएगा आपकी वैकेंसी का बारी, यहां पर लगभग चांस है आपका 19 नवंबर से लेकर लगभग 22 नवंबर, ठीक है, ये आपका फिजिकल होने की पूरी संभावना है इस डेट में। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है क्योंकि जीडी एक बड़ी वैकेंसी है, इसका फिजिकल होने के बाद में आपकी वैकेंसी का ही यहां पर नंबर आएगा। ठीक है, तो आपको क्या अपनी तैयारी पहले से रखना होगा, ठीक है, फिजिकल आपको अच्छे से पहले से तैयार करना होगा और उसके बाद भी साथ साथ पेपर की भी आप तैयारी रखें, क्योंकि आपने देखा होगा फिजिकल की बात करें तो 100 बच्चों में से फ्रेंड्स आप सोच सकते हैं 20 बच्चे एसएससी जीडी का फिजिकल में पास हो रहे हैं, तो बहुत दयनीय स्थिति है। ठीक है, इसके बाद में 140 बच्चों में से कल मैंने एक वीडियो बनाकर भी बताया था लगभग 33 बच्चे यहां पर 140 में से एसएससी जीडी का फिजिकल क्लियर कर पाए थे, तो ये फिजिकल में बच्चे इतना ज्यादा निकल रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा रनिंग में निकल रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, इनमें भी अभी जो बीएसएफ एसएम वाली वैकेंसी है इसमें भी जब फिजिकल होगा तो आप देखोगे बहुत सारे बच्चे फिजिकल में बाहर हो गए, कंपटीशन इसमें इतना नहीं है, अगर आप फिजिकल तैयारी कर लेते हो तो इसमें कंपटीशन आपका इतना नहीं रहेगा, क्योंकि इस बार आपका क्या हो रहा है, फिजिकल हो रहा है,
पहली वाली जितनी भी वैकेंसी थी उनमें क्या हो रहा था, आपका पहले पेपर हो रहा था तो होशियार बच्चे अपना सिलेक्शन ले लेते थे। इसमें क्या हो रहा है, आपका सबसे पहले फिजिकल हो रहा है, जो होशियार बच्चे हो गए वो या तो किसी अन्य वैकेंसियों में अपना सिलेक्शन ले लेंगे या फिर अपना जो फिजिकल होगा उस फिजिकल में निकल जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, कमजोर बच्चा रहेगा उसको भी मौका मिलेगा, ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। तो आई होप अगर कोई भी आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा, अगर कोई भी डाउट बचा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं प्रत्येक बच्चे का रिप्लाई देता हूं, ठीक है। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।